बोला राइट राइट इमरान साहब कहाँ गए? आया मैं ना आ गए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इतने कलील इसमें टाइम में आपको हमने यहाँ बुलाया। जैसा कि आप खुद देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिलाल राठर साहब, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ कोई है जो इनको नहीं जाने। सिर्फ एक तज़क्कुर के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि न सिर्फ पॉलिटिक्स में ही हिलाल साहब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, 3,500 से ज़्यादा जो नौजवान हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, इनकी फर्मों से मुंसलिक है। और आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि वो कारवान बदलाव में आज शामिल हो रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और जो बाकी दीगर हमारे लीडरान यहाँ हैं और हमारे अजीज़ यहाँ हैं, उन सब की तरफ से इनको अपने तहे दिल से शुक्रिया अर्ज़ करना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ऐसे ही हमारे साथ जो कौम की खिदमत में लगे हुए हैं ऐसे ही लोग हमारे साथ और भी जुड़ेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा तकलीफ देंगे। आंसर जाना माल आना, हालांकि यहाँ कल्चर नहीं है लेकिन आज बड़ा दिन भी है और हमारे नौजवान साथी हैं तो हमने सोचा कि बोलो जाना यार तो फोटो करें पहले डाल चलो माशाल्लाह। हिलाल साहब वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेलकम। तो मैं फॉर्मली वेलकम करता हूँ हिलाल राठर साहब को। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। हिलाल मेरे लिए एक छोटा भाई है। आज से 15 साल पहले हम एक जगह बैठे थे, चाय का कप पी रहे थे, तो मैंने छोटे भाई को बोला बड़े भाई के साथ कब जाओगे? तो इसने बोला भाई अल्लाह की कसम अगर मौका मिला तो एक दिन मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगा। ये 10-15 साल की बात है और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा छोटा भाई मेरे साथ यहाँ ये जो हमारा कारवान है बदलाव का उसमें शामिल हो गया है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, इंशाल्लाह पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैज़ अराइव्ड, लेट देयर बी नो डिल्यूजन्स। मुझे पता है यहाँ बहुत सूद सेयर्स हैं जो अपने एक पुराने माइंडसेट में हैं, हु रिफ्यूज टू सी रियलिटी एज इट एग्जिस्ट्स एंड वांट टू क्रिएट रियलिटी एज दे वांट टू सी इट। जो वो डिल्यूजनल लोग हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ, वी हैव कम, वी हैव अराइव्ड एंड इंशाल्लाह वी विल कॉन्कर फॉर द बेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जेएनके। और ये हमारे हिलाल साहब हैं, अगर किसी को भी कोई, योर फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड आई जस्ट होप दैट इन द सेलिब्रेटरी स्पिरिट यू विल आस्क क्वेश्चंस व्हिच सूट द ओकेजन इंशाल्लाह। जी मैं जानता हूँ। देखिए जनाब, आई रिस्पेक्ट माई फादर एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, मगर मैं आपको एक बात बताऊँ, राइट फ्रॉम द डेज ऑफ माई कॉलेज लाइक ही हैज़ बिन मैग्नानिमस इनफ एंड ही इज़ ऑलवेज गिवन मी स्पेस एंड he's always told me that you should take your own decisions. So today also I'm taking my own decisions. I have been taking my own decisions before also. You have consulted him? No, I have not consulted him at all. See, I respect where he is. This is my own decision. And as far as I am concerned, I'm happy with my decision. Raja sahab, sorry to say, we belong to a family. And our families mein usually badon se mashwara. Oh, theek hai na, ye aise hi karte hain. Chalo, bhai, dusra batao koi, chalo. As Sajjad sahab rightly said, I don't know Sajjad sahab today. I have been knowing him for the last 15 years.
Sajjad Saab is a dynamic leader, as everybody knows it. Like, he has a progressive vision, and I like his work of like I like his style of work. See, my dream is actually to work for the youth of this state, and the conflict has destroyed the youth. I have done my bit before also for the youth of this state, particularly Kashmir. But now the story is too big, so I need to join some political party, and who better than Sajjad Saab? Thank you. Sir, there is a question. You asked many people about the youth. Yeah. So there are many problems who are still unfulfilled. Uh-huh. So what steps are you going we, to take? We are committed for the development of this state. And inshallah, in future, you'll see what we people are going. इसको मौका ही नहीं अभी मिला तो बेचारा promise कौन सा fulfill करेगा? जी 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 फरमाइए. National conference की जो सियासत है. जी. ये बदलाव की सियासत है. उनकी सियासत के बारे में मतलब वहाँ क्यों? ऐसा कैसे अंदर unfair question? सर देखिए नहीं unfair नहीं है. मैंने politics join नहीं की इसलिए कि मैं negative politics करूँ. I'm here to do positive politics. अच्छा और जो सारे भी यहाँ पर political parties हैं ठीक they have their own space they have been working ठीक है and I respect it. सजाद साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि कंटिन्यू हम देख रहे हैं चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या जो दीगर यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ज्वाइनिंग होती रही है तकरीबन 6-7 महीने से लगभग एक साल से लेकिन अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो बीजेपी सरकार है वो इस मूड में नहीं है कि यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हों तो क्या आप नहीं समझते कि जिस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पार्टीज की एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लीडर ज्वाइन कर इससे ज़्यादा आप सेंटर को प्रेशराइज करके यहाँ पर जल्दी जो है पॉपुलर गवर्नमेंट हो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती हैं वो 5 साल के लिए होती हैं वो उम्र भर के लिए नहीं होती हैं वो क्या करें हमें उसे कोई लेना देना नहीं है व्हाट वी नीड इन J&K इज स्ट्रांग पार्टीज एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इलेक्शन कब हो जब होगा हम लड़ेंगे लेकिन हम चूंकि कोई सरकार वहाँ है जो इनिमिकल है टू द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हम उनकी वजह से अपनी पार्टियां क्यों बर्बाद करेंगे हम तो बनाते जाएंगे वी नीड रोबस्ट पॉलिटिकल पार्टी एक सवाल मेरा फारूक अब्दुल्ला साहब के रिलेटेड है उन्होंने परसों जब गैदरिंग में तकरीर कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टी की ग्रोथ उन्होंने मशरूम ग्रोथ का वर्ड यूज़ किया नाम तो उन्होंने लिया रेफर किया कुछ इशारा में तो बताया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में चाहते कि हम एक मेजोरिटी ले लें उसके बाद 370-35 5 अगस्त के डिसीजन को हम इंडोर्स करें यहाँ से ताकि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले पे यानी उसका सीधा एग्जाम था कि आप 370 मेरी बात सुनिए मैं अब्दुल गनी लोन का बेटा हूँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस जब बनी तब ये इसलिए बनी कि इंटरनल अटॉर्नी आई ये तब की शुरुआत थी वो दफन है मार्टियर्स ग्रेवयार्ड में आपको लगता है हम ऐसा करेंगे मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बोलूं कि आप अपने एंटीसिडेंट्स बताओ वो मेरे बुजुर्ग हैं आपको लगता है हम ऐसा करेंगे ये वो पार्टी है हमने तो आपको तो खुद पता है आप भी तो हमारे इलाके के हैं हम ये हम वो आप मेरी बात सुनिए यार देखो यार या आप बात करो या आपने बोला मैंने बोला मैंने आपको बोलने दिया अब आप मेरी बात सुनो वी आर अ पोलिटिकल पार्टी विच हैव सीन जेल्स ऑल आवर टाइम्स हमने तो जेल ही देखा है ना उमर भर हमें क्या डरेंगे बीजेपी से हमने तो पहले पार्टियां देखी हैं जेल देखे हैं आप तो खुद हमारे जब आप नौजवान थे आप भी तो थे हमारे साथ लोन साहब को कितनी बार PSA लगाया कोई गिनती है 10 साल तो उसने जेल में गुजारे क्या जो अगर कोई लेगेसी है स्ट्रगल की वो तो हमारी है हम शक करने चाहिए बाकियों पर कि ये कहीं ऐसा तो नहीं करे कोई हम पर ये शक करे वो मॉरल स्पेस आज की डेट में किसी के पास नहीं है लेट्स फेस इट सज्जद साहब आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हो जैसे कि वरिष्ठ नेता जो है PDP और NC से चलेकर दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं तो आगे क्या फ्यूचर आपको राजनीति के लिहाज से आप कैसे देखते हो इसको देखो यार ये सिस्टम होता है एक टाइम था 1990s फिर 2002 आया हमारी पार्टी से सब निकल गए हम अकेले रह गए जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की मैं अकेला था जो मेरे अंकल वंक सब चले गए थे जिनको हमने बचपन से देखा आज काफ़ी उनमें वापस आ रहे हैं सो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन राइट आज शायद पीपल्स कॉन्फ्रेंस का टाइम है शायद हम लोगों को बता पाए हैं दैट वी कैन शो देम समथिंग डिफरेंट और ये जो ये चर्निंग्स होती हैं ये हर जगह होती हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी PDP और जैसी नेशनल कॉन्फ्रेंस रही हैं कई दशक तक उनका दौर चला अब लोगों का भी थोड़ा सा मन बदल चुका है और वो अब इन पर उतना भरोसा नहीं देखिए वो लोगों को तय करना है आई विल नॉट बट येस आई थिंक वी आर ऑन द राइज आई कैन फील इट देर इज अ पैल्पेबल फीलिंग दैट अ न्यू फोर्स इज अलाइव्ड इंशाल्लाह That's true. अब किसी की कोई खुश ना हो तो मैं क्या करूँ अब ये लोगों का फैसला है मैं क्या कर सकता हूँ अब वो देखो बेचारा उसको परेशानी हो रही है यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इनको तो मैं पीछे गया बाकी का हम तय करेंगे कौन आएगा अल्हम्दुलिल्लाह
हम तय करेंगे कौन आएगा, अभी बहुत रश है। अगर चेची फॉर्म भरूं से ही जाऊंगा पर किसी से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।